अगे वीडियो बना दी बार बार खिंच खिंच तू बार कट बाकी खोल बस बस तू रहने बंद कर कट नु ओ भाई बंद कर दी फोन मुझे तू बंद कर मारना नहीं ओ भाई फोन भी रे चलो प्लीज सड़क दे उत्ते स्कूली अध्यापक दी गड्डी रोकी उसके उत्ते इट्टा रोड़िया दे नाल हमला किता गया अते स्कूली अध्यापक नू गड्डी दे विचों बाहर कढ़ के उसके नाल कुटमार किती गई। घटना दिया तस्वीरां सामने आ रही ने तस्वीरां तुसी देख सकते हो किस तरीके दे नाल स्कूली अध्यापक दे नाल खिच तो किती जा रही है तस्वीरां साफ साहर कर दिया ने। दरअसल इस मामले दे विच स्कूली अध्यापका दा कहना है कि उसनू 8 महीनों तो तनखा नहीं सी मिल रही जिस तो बाद जो वह स्कूली प्रशासन को जाती है तो कहती है कि उसनू 8 महीनों की तनखा दी जाए तो उसनू जानों मारन दिया धमकियां जो ने दित्तियां जांदियां ने ते कई तरह के इल्जाम भी इस अध्यापका दे उत्ते लगाए जाते हैं जिस तो बाद आखिरकार इस अध्यापका ते हमला भी किया जाता है। स्कूली अध्यापक का कहना है कि पहला तो मैनू जानों मारन दिया धमकियां दित्तियां गईयां अते बाद दे विच मेरे ते हमला किया गया। बाकी तुसी तस्वीरां देख सकते हो किस तरीके दे नाल इस महिला अध्यापका दे नाल बदसलूकी की जाती है। महिला अध्यापक के मुताबिक 4 बंदे आते ने 3 के करीब बंदे अते 4 महिला हमलावर होंदिया ने जो सड़क ते ही जो ने खिच तू कर दिया ने महिला अध्यापक दे नाल इस दे नाल कुटमार की जाती है। गड्डी दे उत्ते इट्टा रोड़िया दे नाल हमला किया जाता है तो तस्वीर तुसी पूरी घटना दिया देख सकते हो जिथे अध्यापका दे नाल किस तरीके दे नाल खिच तू की जा रही है तस्वीर तुसी देख सकते हो। तो दस दिए कि 8 महीनों तो महिला अध्यापक का कहना है कि उसको तनखा नहीं सी मिल रही जिस तो बाद तनखा मंगन दे उत्ते उसको जानों मारन दियां धमकियां दित्तियां गईयां। उधर दूसरे पासे गल की जाए स्कूली प्रशासन की तो स्कूली प्रशासन का कहना है कि महिला अध्यापक जो है दूसरी अध्यापक के नाल बहस रही सी जिस तो बाद जो वह झगड़ा सुलझाउण दे लई जांदे ने तां इस अध्यापका दे वल्लों पुट्ठा दूजे व्यक्तियों के उत्ते दूजे स्कूली कामियां दे उत्ते हमला कर दिता जांदा है। तां इस मामले दे विच स्कूली प्रशासन दा अते इस अध्यापका दा की कहना है जिस दे उत्ते हमला होया ओह भी जरूर सुन लैने आ। वैसे तो मैं तो 1.5 साल तो ही परेशानी मानसिक तौर पर हो रही हूँ उसके चलते हुए इन्होंने चलो स्कूल दे विच इंचार्ज चेंज किया ते 2-3 महीने तो होर भी किसी तरीके नाल जिवें एक मुलाजिम नूं तंग परेशान किया जा सकता है उस तरीके कर रहे सीगे। 8 महीने तो इन्होंने तनखा नहीं पाई उस चीज़ बारे बार बार इन्हों कहा गया कि तुसी तनखा पाओ क्योंकि तनखा एक ऐसी बेसिक जरूरत होंदी है। कई खर्चे हैं जैसे मेरे चलो लोनस हैं या अपने कोई होर तरह के एक्सपेंसिज है पर उसते कोई इन्होंने सुनवाई मेरी की नहीं। कल भी जाके इन्हों तो मैं सैलरी बारे ही गल की मैडम सुनीता दी हाजरी दे विच सुनीता मैडम ना गल की तो सैनी नू बुलाया उन्होंने 2 क्लर्क होर बुलाए और सैनी ने मेरे नाल बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी नाल जिमें एक औरत दी मर्यादा नू जो भंग करते हैं ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए कुछ भाषा उम्र नू लैके बोली गई कुछ घोटालिया तो लैके मेरा नाम बोलिया गया उन्होंने वालों भी लुट की है तुसी स्कूल दे विच कुछ होर शब्द भी जानों मारन की धमकी भी दी भी तुसी जा तू तेन देख लाँगे करके मैं इसनों थोड़ा जा रोकन की कोशिश की क्योंकि मैं 27 साल तो इस स्कूल एक ईमानदारी तो डेडिकेशन के नाल जॉब कर रही हूँ और मेरा टीचिंग पेशा है मैनू ऐसी डिसरिस्पैक्ट की आदत नहीं है। वह भी मेरे तो एक छोटा बच्चा जो जिसने मेरे अंडर वर्क किया हो उसनों मेरे बार बार एक ही रिक्वेस्ट की भी तू थोड़ा तमीज़ के नाल गल कर लै पर नहीं फिर मैं तो कंट्रोल नहीं हो पाया क्योंकि वो बार बार इंस्टीगेट कर रहा है उही शब्द बार बार कही जा रहा है भी तुसी उसके बाद तुसी पुलिस स्टेशन शिकायत दर्ज कराने गए हाँ उतों निकल के फिर मैं इसकी कंप्लेंट अंकल दे नाल अपने टाइप करवा के उत्थे दाखिल करवाई है SHO साहब नूं उहदे च भी मैं इन्हां नूं लिख के आई हाँ कि मैनूं जानों मारन दीआं धमकियां दित्तियां बस उस तो निकल के मैं
आम तौर पर पटियाला जानी हाँ क्योंकि मैं पटियाले अपने मदर के ब्रदर के नाल रहनी हाँ। तो कल मैं बाय चांस थोड़ा मन बदलिया कि समाने वाले घर चले जावा इतने साडा एक अपना घर है तो उत्थे रस्ते दे विच शायद ये लोग पिछे लगे हुए थे कार दे विच आके इन्होंने अटैक किया जिहदी वीडियो तुसी देख सकते हो। मैं अपनी कार दे विच ही बैठी सी इन्होंने अपनी कार दे विच भर के बट्टे लैके आए हुए बट्टे भी नहीं हो की कह सकते हो तुसी उसनू जिहड़े नुकीले पत्थर से वह मार के शीशे तोड़े शीशे तोड़ के मैनू बालों तो खिंच के पूरी तरीके जिमें भी मारया गया मतलब एक मैं मतलब परमात्मा मनते हुए कोई चेन इस तरीके की पारक सी जी मेरी रिलीजियस सी तोड़ तोड़ के वह भी सीटा जो जो कुछ भी वह कर सकते उन्होंने किया कुछ गुजिया सट्टा से जो कल भी नहीं देख पाई हले भी मेरी चार लेडीज सीगियां घर परिवार वाले सारे ही पुलिस वाले कल उदों दी 12:30 दी कंप्लेंट तो बाद 5 बजे जी वो मेरा बयान लेने आए हैं तो हुण तक मैनू नहीं पता कि कोई कार्रवाई है। मैंने उसमें सारा हिस्सा दिख लिखवाया कि मैनू उन्होंने वालों जानू मारन का हमला होया तो मैनू इस तरह इंसाफ चाहिए। इस जी घटना हुई है इससे किस तरह उठा रहे मामले माड़ी घटना हुई है इससे बहुत माड़ी घटना है। एक टीचर है जोड़ा बच्चों पढ़ा जो टीचर न इदा की गल हो जाए तो की बच्चों की मन चाहेगा भी यही अगला सोचेगा ना भी साढ़े टीचर नू कुटिया है ठीक है ना तो साडा की कर लेगा टीचर इन्हों का रेपूटेशन भी खराब होया ठीक है जी तो जोड़ा बच्चों का इंप्रैशन से वह भी इन्हों का खत्म हो गया। किस टाइप का एक्शन ले रहे पुलिस न देखो इन्हों की गड्डी डैमेज हुई है सारी आले दुआले शीशे तोड़ते है सारा इन्हों प्रॉपरली केस बनाना चाहिए दोषियों सज़ा देनी चाहिए है इको फैमिली के बंदे लगते हैं सारे मैं तो इको परिवार लेना तो प्री प्लान काम किया इन्होंने जो भी किया प्री हाँ कराया गया प्री प्लान काम कराया गया ऐदा दी हैपनिंग कला बंदा नहीं कर सकता। अरे एक लेडीज़ के उपर इस तरह जाके एक लेडीज़ कली कार दे विच हाँ जी कले सी कार दे विच ये तो हाँ कले सी है तो कले सी उत्थे तो जे पब्लिक वाले ना छड़ाउंदे तो जानों भी मार सकते नीतू ने मेरे थप्पड़ मारे जी मैं धक्का मारिया मेरे पिछे लमारी बहुत जोर दी बजी और मेरी बहुत इंसल्ट की उसने अच्छ स्कूल दे विच पता नहीं कई साल तो कोई घपला घुपला चल रहा सी जी इन्होंने परसों मंदिर दे बैठ के सौ चुकी अज कोई सैलरी दाना कोई इशू हैगा भी सैलरी रोकी हुई सी मैनेजमेंट ने डिसबर्समेंट करने वास्ते मैं कहता मैं डिसबर्समेंट करने वास्ते तैयार सीगा जी मैनू कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जब जो मैनेजमेंट ने कहना मैं तो उही हुक्म ठीक है। ये दफ्तर दे विच आई सुनीता मैडम नाल लड़ रही थी बहुत बुरी तरीके नाल मैं कुदरती अग्गा साइंस स्कूल दे विच आया सीगा जी उत्थों उत्थे कम गया सी मैं उत्थों आके मैं देखा भी यह लड़ रही है मैं कहा हाँ जी मैडम कह सैलरी नहीं तुसीं पा रहे मैं कहा जी पा दिंदे सैलरी अज तुहाडी सैलरी पा दिंदे इन्हू पता नहीं किस चीज़ की मेरे ते कोई पहला तो कोई लाग डाट है किसी चीज़ को लेके आप जी वालों कुछ कहा गया मैंने कुछ नहीं कहा उन्होंने ये कहा भी सैनी ने मैंने कहा भी तू स्कूल लूट के खा गई कोई ऐसा शब्द हो कहे थे नहीं यह जो कोई शब्द नहीं हो ठीक है जी इन्होंने कहा जी कहते जड़ा कुछ भी कराया ये तिने कराया हाँ मैं कहा जी मैं कुछ नहीं कराया गबन जड़ा भी फड़े गया वो स्कूल का फड़या गया फीसा चो फड़या गया चाहे किसी चीज़ चो ही फड़या गया वो मैनेजमेंट ने फड़या ठीक है नहीं उससे मेरा कोई लेन देन नहीं है। चलो उस तो बाद जी ये सौरभ होर अंदर आ गए सौरभ होर मैंने बुला लिया मैं क्या देखो सारे मंदिर के बैच बैठ के कसम खा के आया भी हाँ जी मैडम ने किया है ठीक है ना जी मैं क्या ये मारो थप्पड़ जो मारना है भी थोड़ा नाम बदनाम करता मैं तो एक रुपया भी अज तक कद किसी नहीं कहा भी नीतू ने एक रुपया भी खा गया ठीक है ना जी ये कहते तू मेरा नाम बदनाम करता फिरदा ये जी भज के मेरे वल आई इन्हें मेरा थप्पड़ मारिया पहला बहुत जोर दी फिर धक्का मारिया जी
बस उस तो बाद मैनू नहीं पता जी, मैं उतों स्कूल के निकल के अपना आ के उरे मेरे घबराहट हो रही बहुत ज़्यादा, मैं उरे आके अपना एडमिट हो गया। अच्छा, आप इतने आ गए कहते भी गड्डी अपनी खड़ी कर गए उत्थे जाए गड्डी मारी है कुछ उत्थे मारपीट की उत्थे मैं उहदे बारे मैनू कुछ नहीं पता जी, उहदे बारे मैनू कुछ नहीं। ठीक, वो मैडम ने लिखाया जी उन्हों की ना तनखाह बंद पई थी मार्च महीने तो 2024 तो कोई इन्हों की तनखाह ना मिलने करके डिस्प्यूट चल रहा थी इन्हों के नाल स्कूल संस्था के नाल जी, मुड़ के ये इधर डाकखाने के पास इन्हों का घर आ जी उधर जा रही थी तो इन्हों रात घेर के दो तीन लेडीज ने बिच जेंट्स ने उन्हें कुटमार की है गड्डी शीशे भन्ने तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो इन्होंने खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मामला दर्ज कर रहे हो? मामला दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। हाँ जी, किन्ने बंदे होंगे दस्से उन्हें ये 5-6 बंदे है जी, बिच तीन लेडीज ने तीन बंदे अजय गिरफ्तारी तो किसी गिरफ्तारी नहीं हुई जी, अभी मुकदमा दर्ज करके जल्दी कर लाँगे गिरफ्तारी।